कि ये तेज धारी काट के नाश कर देगी तुम्हारी बीमारी। याद रहे, अनिरुद्ध को ना दिखे और ना पता चले इस ताबीज के बारे में। तेरा क्या होगा रे बॉन्डिता? एक तरफ मेरी पिस्ते गीला करने वाली समस्या को ठीक करने के लिए ये ताबीज बांध दिया काका ससुर जी ने, और दूसरी तरफ चुनौती स्वीकार कर ली है पति बाबू ने। एकादशी की महापूजा से पहले अगर इस लड़की की ये आदत ठीक नहीं हुई तो इसे वापस अपनी माँ के यहाँ जाना पड़ेगा। स्वीकार? स्वीकार। दितं, दितं, दितं। पर जब सामने मिठाई हो तो सब भूल नहीं जाना चाहिए बॉन्डिता, सिर्फ मिठाइयों पे ही ध्यान देना चाहिए। मिठाइयाँ गई एक बार मुँह में तो सब परेशानी भूल नहीं जाऊंगी। ये मिठाई कहाँ से आई? ओहो, काका ससुर जी को अभी आना था मेरे और मिठाइयों के बीच में। बड़े मलिक, आप जमींदारी की वसूली करने गए थे ना, तो आपके पीछे रतनलाल बाबू आए थे। उनके बेटे प्रदीप की शादी है ना। प्रदीप की? प्रदीप तो वही ना जो बटुक के साथ उसकी कक्षा में पढ़ता है। 11 साल का होगा ना? जी बड़े मालिक, 11 साल के दूल्हे राजा और 5 साल की दुल्हन। सही है, बच्चों के लिए ये सब निर्णय शुरुआत में ही ले लेना चाहिए, नहीं तो ना जाने क्या क्या भुगतना पड़े हमारी तरह। आपको सब परिवार न्योता दिया है बड़े मालिक। अनिरुद्ध बाबू और छोटी मालकिन 9 वर वधु हैं तो उन्हें तो खास बुलाया है। पर शादी के घर में तो सब औरतें एक जगह सोती हैं और हम बहू को वहां उनके साथ अकेले सोने नहीं दे सकते। अगर उनके सामने बिस्तर गीला कर दिया नींद में तो विवाह की अग्नि में खानदान का मान सम्मान जलकर खाक हो जाएगा। सोने से पहले किसी भी बहाने से घर वापस बुलवा लेना होगा हमें बहू को। अनिरुद्ध बाबू सुनिए तो। अनिरुद्ध बाबू देखिए। क्या क्या सुनना है सौरभ? तुम जानते हो ना सौरभ, कल गांव के सारे मुखिया आए थे मुझसे बात करने। जब मैंने उनसे औरतों के लिए पब्लिक टॉयलेट मतलब गुसल खाने की बात की, मैं चाहता हूं हमारे तुलसीपुर में औरतों के लिए एक पब्लिक टॉयलेट बने। तुम बताओ सर, इसमें हंसने वाली बात थी क्या? कोई दोष उनका नहीं है। कोई भी नई बात, कोई सोच जो परिवर्तन लाए, वो इन लोगों के समझ में नहीं आती जल्दी से। सौरभ, अगर उन्हें ये बात समझ नहीं आती तो हमें उन्हें इस बात को समझाना होगा। कोई समस्या है क्या बड़े मालिक? अरे रॉय चौधरी हैं हम, समस्या क्या होगी? तैयारी करो, हम सबके साथ जाएंगे शादी में। जाएंगे, ढेर सारी मिठाइयाँ खाएंगे, मोटे गाड़ी में भी बैठूंगी मैं तो। बटुक, रो क्यों रहे हो? मारा किसी ने विद्यालय में? अच्छा हुआ किसी ने मारा इसे, परेशान करता होगा उसे भी। जमींदार के बेटे को कोई मार सकता है क्या? वही तो, पर फिर रो क्यों रहे? विवाह हो रहा है मेरे दोस्त प्रदीप का, आज स्कूल से उसे छुट्टी भी ले ली। अब उसकी पत्नी आएगी तो वो मेरे साथ खेलेगा या उसके साथ? लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं। लेकिन मंदिर में पूजा दुक्का माखी करते हैं, सब पुजारी आदमी क्यों होते हैं, औरतें क्यों नहीं? बहू, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इसकी जो इस तरीके के प्रश्न पूछ रही है ये। महाराज नादान है, छोटी है तो गलती से। गलती नहीं, पाप हुआ है इससे, और जहाँ इस तरीके का पाप हो हम उस घर का अन्न ग्रहण तक नहीं कर सकते। क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं समझाऊंगा उसे। समझाने से क्या होगा,
स्त्री पुरुष के कपड़े पहन करके घूम रही है, यह धर्म नहीं है। पाप किया है तो प्राश्चित नहीं करना होगा। बिना प्राश्चित किए क्या पाप मिटेगा, धुलेगा? तो इसे भी करना होगा प्राश्चित। कठोर दंड भोगना पड़ेगा इसे। पुरुषों का भेष धारण करके तुम पुरुषों की बराबरी करने चली हो ना, तो सिर्फ कपड़ों से बराबरी मत करो, उनकी मेहनत से भी बराबरी करो। रुको, वो बोरी वहीं पे रखो। पर महाराज, वहां रखेंगे तो आते जाते सबके पांव में लगेगी। मैंने कब कहा कि ये बोरी यहीं पड़ी रहेगी? क्योंकि अब ये बोरी आपका नौकर नहीं, पुरुषों से होड़ करने वाली, पुरुषों की बराबरी करने वाली आपकी बहू उठाकर ले जाएगी रसोई घर तक। और याद रहे, अन्न का एक भी दाना गिरना नहीं चाहिए, अन्यथा हम ये भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। पर बहुत भारी होगी ये तो। पुरुषों की बराबरी करने से पहले ये नहीं सोचा? अगर दंड नहीं लेना है तो ये कह दो कि लड़की कभी नहीं बराबरी कर सकती पुरुषों की। अब या तो दंड भुगतो या करो हमारा अपमान। ना 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 महाराज, ऐसा ना कहें। ब्राह्मणों का अपमान किया तो ये पूरा परिवार नरक की आग में ना चलेगा। महाराज, सदियों से कमाई हुई इज्जत पल में खाक हो जाएगी। मैंने कहा था हमारे कारण कोई भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। आपको भी भोजन नहीं छोड़ने दूंगी मैं। तुम ये दंड भुगतोगी ना बहू? सिर पे ब्राह्मण अपमान के पाप का बोझ जो चढ़ेगा, उससे तो हल्का ही होगा इस बोरी का बोझ। और याद रखो, ईश्वर तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें शक्ति देगा। तुम्हारी दुर्बुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाए, यही तो चाहती हो ना तुम भी? बढ़ो आगे बहू, करो अपने पाप का प्रायश्चित। एक बात अच्छे से समझ ले बेटा, विवाह के बाद हर लड़की को अपना सब कुछ छोड़कर अकेले ही जाना होता है। सब संस्कार अपनाने होते हैं ससुराल के। देख बोंदिता, तू मेरी बहुत अच्छी बच्ची है, वैसे ही तुझे एक अच्छी बहू और अच्छी पत्नी बनना होगा। कहते ही बांध लेना तुम अपनी गठरी भी। अब महापंडित के गुस्से की ज्वाला से कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें बंदिता। शाबाश मनी।